हाँ दानियल, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? ऑफिस वालों से ना मेरी बात हुई है। मेरी शादी का सुन के उन लोगों ने मुझसे माजरत कर लिया, कह रहे हैं कि मुझे अपॉइंट नहीं कर सकते। व्हाट? दैट्स रियली सैड। मगर उनको तुम्हारी शादी से क्या प्रॉब्लम है? फिलहाल वैसे एम्प्लॉयर्स को डिमांड कर रहे हैं जो सिंगल हो, उन पे घरेलू जिम्मेदारियां ना हो। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। वैसे भी तुम देखो ना, शादीशुदा लड़कियों के लिए कहाँ जॉब करना आसान होता है। यहाँ पे इक्वालिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना हमारी कंट्री में। सारी जिम्मेदारी औरतों पर डाल देते हैं, बाहर का तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। अब देखो, दो कश्तियों में सवार इंसान कैसे अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है, सोचने की बात है। तुम भी ना, अच्छी खासी तुम्हारी जॉब थी, एक ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा था। पता नहीं ये मुर्तजा जैसी काली बिल्ली क्यों तुम्हारा रास्ता काट गई। एनीवे तुम दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करती हूँ, ठीक है ना? बस ये देखना कि ससुराल की अनचाही जिम्मेदारियों में खुद को खो मत देना। यही वक्त होता है, यही मौका होता है खुद को बनाने का, साबित करने का, दुनिया में कुछ बनने का। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के बनाए हुए सांचे में इतना ढाल लो कि अपनी शनाख्त खो दो। अच्छा लिसन, क्यों ना आज डिनर साथ करें? वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद कहाँ ये मौका मिलने वाला है। नूर, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, शायद तायरा अपनी आई है। ओके बाय। समझ से बाहर आ रहा है कि तायरा अभी इतनी एक्टिव क्यों हो गई है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हुआ है।